धुंधले को व्यभिचार किया था। इसके चीन ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। देखो जी, ये जो लड़का है ना, ये बताए ना बताए, इसे शैतान इतने गंदी चीजों से इसके मन में, इसे है ना, देखो ये मसीह में ऐसा नहीं कि हम इसे नफरत करेंगे, पर इवल स्पिरिट इसे इस्तेमाल कर। और सुनो, 12 साल से नेगेटिविटी की व्यभिचार की दुष्टात्मा का प्रभाव था इसके ऊपर। बोलो क्या था? 12 साल से, 15 साल की एज थी जब से शैतान ने इसके माइंड को कंट्रोल किया और इसके मन में गंदे गंदे विचार आते थे। फोन से कुछ ऐसी वीडियो को देखता था, पर अपने अभी इस वीडियो क्लिप में देखा कि अगर कोई ऐसा पाप उसे इस्तेमाल कर रहा है, इंसान कोई बुरा नहीं, बोलो इंसान कोई भी बुरा, इंसान कोई बुरा नहीं, बुरा है पाप जो इंसान के जीवनों के अंदर पाप करता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया हूं। इस ब्रदर जी का नाम लवप्रीत है और जो जहांगीर के रहने वाले हैं, और इस ब्रदर की गवाही जो बता रहे हैं कि 12 साल हो गए हैं और इनके मन में 12 साल से ही बहुत बुरे विचार आते थे, और जो बता रहे कि जब इनकी एज 15 साल की थी उस समय से लेकर अभी इनकी एज 26 साल है, तो अभी तक जो विचार इनके मन में आ रहे थे और पूरे 12 साल हो गए थे, और जब बता रहे कि जैसे इनके पास प्रभु की गुड न्यूज़ भी जब इनके पास पहुंची, तो इन्होंने जब चर्च आना शुरू किया तो इन्होंने इसके लिए परमेश्वर के आगे जो ब्रदर प्रार्थना भी करते थे, क्योंकि जो फ़ोन भी बहुत ज़्यादा देखते थे और जो चाहते थे जो अपने अपना विश्वास भी कर रहे थे और परमेश्वर आगे प्रार्थना भी करते थे कि परमेश्वर मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो नेगेटिविटी का ही प्रभाव था और पर इनसे छोड़ नहीं पा रही थी। और जो बता रहे कि जो बाइबल भी पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, पर फिर भी चर्च भी आ रहे थे, हर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, पर पूरे 12 साल हो गए थे कि जो बुरे विचार और फ़ोन को देखना जो एक प्रभाव इन पर बना था। और जैसे जो ब्रदर जी 4 दिसंबर की मीटिंग में आए और इनके लिए ले एंड हुई, और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। देखो जी, ये जो लड़का है ना, ये बताए ना बताए, इसे शैतान इतने गंदी चीजों से इसके मन में, इसे है ना, देखो ये मसीह में ऐसा नहीं कि हम इसे नफरत करेंगे, पर एक इवल स्पिरिट इसे इस्तेमाल कर रही है, जी उन चीजों को छोड़ना चाहता है, ये फोन की चीजों को छोड़ना चाहता है, पर ना चाहते हुए भी, बोलो क्या है ये इससे हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, ना चाहते भी हो रहा है, ना चाहते हुए भी इससे हो रहा है, ये चाहता है कि मैं इन चीजों को छोड़ूं, पर जिससे खुदावंद प्रेम करता और जिसके लिए बोलता है उसे ऊंचा करता है, तो ऊंचा होगा, ऊंचा होगा प्यारी ये ऊंचा होगा। सुने एक चीज, एक याद रखना, जब भी परमेश्वर आपके लिए बोले तो दो चीजें, अगर आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते पर खुदावंद की उस महिमा को करें, क्या करें उस खुदावंद की उस महिमा को करो। अरे व्यभिचार एक मीठा जहर है, बोलो क्या है, व्यभिचार एक मीठा जहर है, मीठा, समझ आ रही है, वो इंसान के जीवन को नाश कर देगा, क्या कर देगा, इसलिए बाइबल कहती तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है,
तुम अपने सारे चाल चलन में क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ। और जी ब्रदर जी बता रहे कि जैसे इनके लिए ले हैंड हुई और परमेश्वर ने अपने दास को जब अगुवाई की तो इन्होंने कभी भी इस बात के लिए प्रभु के दास के साथ मीटिंग भी नहीं थी कि बताया भी नहीं था, पर जो विश्वास कर रहे थे, प्रेयर भी कर रहे थे, पर फिर भी इस चीज से जो दूर नहीं हो पा रहे थे, पर जैसे इनके लिए ले हैंड हुई उस दिन से इन्होंने अपने मन को फिराया और जो धन्यवाद किया। और जो बता रहे कि अभी परमेश्वर ने इस नेगेटिविटी प्रभाव से इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है, अभी जो बिल्कुल फोन भी नहीं देखते और ना ही इनके मन में बुरे विचार ख्याल आते, और परमेश्वर ने इस प्रभाव से आज इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। और इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे क्लीसी। और सुनो, 12 साल से नेगेटिविटी की, व्यभिचार की, दुष्ट आत्मा का प्रभाव था इसके ऊपर। बोलो क्या था, 12 साल से, 15 साल की थी जब से शैतान ने इसके माइंड को कंट्रोल किया और इसके मन में गंदे गंदे विचार आते थे, फोन से कुछ ऐसी वीडियो को देखता था। पर अपने अभी इस वीडियो क्लिप में देखा कि अगर कोई ऐसा पाप उसे इस्तेमाल कर रहा है, इंसान कोई बुरा नहीं है, बोलो इंसान कोई भी बुरा, इंसान कोई बुरा नहीं है, बुरा है पाप जो इंसान के जीवनों के अंदर पाप करता है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया हूं। क्या हूं मैं? पापियों को बचाने के लिए आया। समझ आ रही है? तो वैसे तो कोई भी दूध से नहीं दुला, पर परमेश्वर ध्यानवान परमेश्वर जो चाहता है, क्योंकि ये चाहता था, ये मन में सोचता था कि मैं प्रभु तेरी सच्चाई में हूं, पर ये भी फिर भी ये नेगेटिविटी का प्रभाव है जो मेरे जीवन के ऊपर, ना चाहते हुए भी ये उस चीज को कर रहा था। इसे पता था अब मैं प्रभु में हूं, जो मैं वीडियो देखता हूं फोन से या ऐसे कुछ करता हूं हाँ तो ये गलत है, ये पाप है, पर ना चाहते हुए। पर जिस दिन इसकी ले हैंड हुई है, इसके फॉर्म में क्या लिखा था पता है किसी को? फॉर्म नहीं फिल हुआ था, बस ऐसे ही आगे ऐसे ही आया था, फॉर्म नहीं था ना, तो ये तो सिर्फ ऐसे आया। पर खुदावंद का रूह जो मेरे अंदर काम करता है, वो आपके मन की गूढ़ बातों को जानता है। बोलो क्या है आपके मन की गूढ़ की बातों? ये तो सिर्फ आया है, पर अभी आपने क्लिप में देखा कि मैंने कहा कि एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, ये इसने तो नहीं बताया हमें, हमसे तो नहीं बात की, पर खुदावंद ने उसे ये कहीं ना कहीं मन में सोचता होगा, इसलिए परमेश्वर ने मेरे मुंह को इस्तेमाल करके इसके लिए उस दिन बोला कि ये बताएं ना बताएं पर व्यभिचार की एक दुष्ट आत्मा इसके जीवन में काम कर रही है। पर आज से क्या होगा, ये किस ये जो ले हैंड है कितनी तारीख की है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर की। आज कितनी तारीख है? 19 फरवरी। 4 दिसंबर और 19 फरवरी में भी एक महीना और हाँ ढाई महीने हाँ जनवरी और फरवरी। अब जब से ये ले हैंड हुई है तब से दोबारा तो कोई ख्याल नहीं ना आया मन में कोई किसी तरह से? हाँ जयमसी पापा जी, जयमसी की नहीं पापा जी नहीं आए बाद में नहीं आया नहीं, तब से अब उस नेगेटिविटी की उस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं। देखो एक चीज सुनो, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी के जीवन में ऐसी नेगेटिविटी का प्रभाव है और पाप उसे इस्तेमाल करता है, हमेशा परमेश्वर आपके लिए यहां पे बोलता, अगर आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते तो मिलो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं? पिछले संडे भी मैंने बोला था कि किसी को एक ऐसी आदत है, वो नंगा तन देखने की उसे आदत है और ये एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। वो फोन से ऐसी वीडियो देखता है जो नंगे तन की है। एक सिर्फ यही एक ऐसा पवित्र स्थान, एक ऐसी चर्च है, जो लोग चर्च में आते हैं, यहां पे ऐसी बातें बोली जाती हैं, नहीं तो कहीं पर भी नहीं ऐसे बताया जाता। समझ आ रही है? पर ये नहीं है कि हम इसे ऐसे उस नजर से देखें, क्या देखें?
क्योंकि जब यीशु मसीह किसी, हाँ ये तो सिर्फ देखता है ना, देख रहा था यीशु मसीह ने, तो जिन लोगों ने व्यभिचार किया उन्हें भी माफ कर दिया। क्या कर दिया? तो वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो ध्यानवान परमेश्वर है। पर कई कई बार जब इंसान मन नहीं फिराता, क्या नहीं करता, और वो नहीं चाहता कि ये पाप है, मैं मसीह में हूं पर ये मेरे जीवन में ये चीजें क्यों है, अगर वो मन नहीं फराएगा तो एक दिन उसका प्रभाव इतना उसके ऊपर आ जाएगा कि शैतान इस सच्चाई से भी उसे तोड़ देगा और वो नरक ले जाने की उसे तैयारी करेगा। यही शैतान चाहता है, पर परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्या करता है? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये गवाही के लिए फिर भी आगे आया है। क्या आया है? तो इसलिए परमेश्वर सच्चा है, जिसने मेरे लिए आपके लिए इसके लिए जीवन का बलिदान दिया है, उसने इसे बचाया और उसने इसे छुड़ाया है। तो आज से और भी अच्छे मन से जीना, जो वर्ड खुदा ने दिया तुझे ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, तो बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। और जो तेरे जैसे और लोग हैं उनको अपनी गवाही देना, जो इस संसार में नौजवान लड़के उनको गवाही देना कि एक दिन मैं भी ऐसे था पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचाया है। जो भी आपके जीवन में प्रभु जिसके साथ भी जो काम कर रहा है, जोर दूसरों को बताओ, क्योंकि हम अगर प्रभु की महिमा नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा। क्योंकि हम बहुत जगह गए, बहुत धार्मिकता की, पर ऐसी चीजें कहीं कहीं पर भी लोगों ने जाकर ऐसे नहीं कहा कि मेरे जीवन में ये हुआ। तो इसलिए धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिसने इस पाप के अंधकार की, उस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से बचाया और छुड़ाया है। दिल से तारीफ करो, दिल से धन्यवाद कराऊंगा मैं, मेरे यीशु ने छुड़ाया है। धन्यवाद कराऊंगा मैं, मेरे यीशु ने छुड़ाया है। ओ तेरी के पापा जो मैंने बोली बुलाया है, ओ तेरी के पापा जो मैंने बोली बुलाया है। अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।